जी दोस्तों, ये है बोईसर स्टेशन का शाम का नज़ारा और हम आपको शाम के नज़ारे को दिखा रहे हैं कि अक्सर जो बोईसर है बस आपको कैसे दिखता है, ये भी हम आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं। और तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं कैमलिन नाका की तरफ, और कैमलिन नाका की तरफ हम जा रहे हैं इस बार, और आपको बताएंगे कि यहाँ से कैसे दिखता है। तो ये हम जा रहे हैं कैमलिन नाका की तरफ, और कैमलिन नाका का जो नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा आपको बड़ा प्यारा लगेगा। और इस समय जो मैं जाऊंगा कैमलिन नाका की तरफ, जो बोईसर ईस्ट है ना वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बोईसर ईस्ट पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और इस समय है ठंडी का मौसम चल रहा है, और यहाँ पे भी ठंडियाँ बहुत होती है इस समय। और ये जो होटल बोईसर रेसिडेंसी है, देखिए ये यहीं पर है ये, और इसी के बाजू में आपको ICICI का यहाँ पे जो ब्रांच मिलेगा, और सारे बैंक के ब्रांच इसी जगह पर मिलेंगे। कैमलिन नाका स्टेशन से, बोईसर स्टेशन से कैमलिन नाका का जो चार्जेस है वो है केवल 15 रुपया पर सीट। और देखो, ये ओसवाल नगरी का ये दूसरा एंट्री और एग्जिट गेट है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये सामने से ओसवाल जाता है, और उसी ओसवाल बहुत फेमस एक एरिया है। इलाका है वो बहुत ही फेमस है, आपको ये पूरे इलाके के बारे में दिखा दे रहा हूँ। आपको ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये पूरा आपका जो इलाका है वो ओसवाल से लेकर जो कैमलिन रोड है ये उसी तरफ जाता है। जो आप इलाका देख रहे हैं ये बोईसर का पूरा इलाका है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और तो बहुत ही ज़्यादा ये एक तरह का कहते हैं कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कंपनियाँ बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब सारी चीज़ों पर हमने किया हुआ है, अब आपको दिखा दे देख सकते। यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं जैसे आप बॉम्बे में अक्सर देखते हैं, वैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग रहते हैं काम करने वाले।
दिखा दे रहा हूँ पूरा इलाका आपको, कैसे लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। और ये सब सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। अभी कैमलिन नाका आ ही गए हैं यहाँ पे, और पूरा जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल, देखिए अब यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया आपका शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया ये पूरा, और इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई है। तो ये भगत सिंह चौक है, आप देख सकते हैं ये भगत सिंह चौक है, और आगे भी पूरी कंपनियां हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है उसमें। तो ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी ऑटो में हूँ और ऑटो से मैं आपको इसके सफ़र को दिखा रहा हूँ, और ये पूरा जो आपको इलाका है मैं वो दिखा दे रहा हूँ। तभी बस हमारे कुछ ही देर में कैमलिन नाका आने वाला है, और आप तो ये हमारा अब आ चुका है जो फेमस कैमलिन नाका है वो, देखिए हमारा ये कैमलिन नाका का जो बहुत ही ज़्यादा वो है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये आ गया हमारा कैमलिन नाका। तो ये हमारा ये पूरा देखिए कैमलिन का इलाका है, ये पूरा कैमलिन का ये रिक्शा स्टैंड है, और यहाँ से एक और रोड जाता है आपके और एक जगह पर, और सामने भी एक रोड जाता है इंडस्ट्रियल एरिया मतलब जो बोईसर बीच है ये वहाँ जाती है। तो ये है हमारा पूरा कैमलिन का इलाका, और ये पूरा इसी जगह पर जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से ये दिखा दिया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया।